आज वैशाली, सप्त क्रांति सहित 40 ट्रेनें नहीं चलेंगी। रेलवे स्टेशन जाने से पहले यहां देखें लिस्ट। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के चलते रेलवे ने रविवार को वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस व बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित 40 एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त कर दी हैं। सेना में अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में चल रहे हिंसा और आंदोलन के चलते ज्यादातर ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जाने वाली 144 एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। इनमें से शनिवार को जाने वाली 44 एक्सप्रेस ट्रेनें तथा रविवार व सोमवार को जाने वाली 45 ट्रेनें शामिल हैं, जो गोरखपुर के रास्ते से होकर जाती हैं। रविवार को वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस व बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित 40 एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, जबकि 27 पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में चल रहे आंदोलन की वजह से 18 जून को 90 ट्रेनें निरस्त हुई हैं। इनमें 44 ट्रेनें गोरखपुर के रास्ते होकर गुजरने वाली शामिल हैं। निरस्त होने वाली ट्रेनों में 32 एक्सप्रेस, 4 स्पेशल और 8 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। इसी प्रकार रविवार सोमवार को 45 ट्रेनें निरस्त की गई। इसमें 6 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। सहरसा से दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस लगातार दूसरे दिन निरस्त होने से यात्री काफी परेशान हैं। सप्त क्रांति और बिहार की तरफ से आने वाली दूसरी ट्रेनों के रास्ते में ही रोक दिया जाने से यात्रियों का गुस्सा भी भड़क उठा। हालांकि रेलवे कर्मचारियों व जीआरपी ने उन्हें समझा कर शांत कराया। दरअसल शनिवार को शाम 4 बजे यात्रियों को वैशाली एक्सप्रेस के निरस्त होने की जानकारी मिली तो वह आग बबूला हो गए। दिल्ली जाने वाले रमेश ने बताया कि बड़ी मशक्कत से सीट मिली है, अचानक से ट्रेन निरस्त हो गई। अब कहां से कंफर्म बर्थ लाएं। गाजियाबाद तक जाने वाले अतुल कुमार ने बताया कि तत्काल कोटा से बर्थ मिला था, पूरा प्लान ही चौपट हो गया। ट्रेनों के निरस्त होने से आरक्षण केंद्र पर भारी भीड़ हो रही है। 5 काउंटर ही संचालित हो रहे हैं। टिकट रद्द कराकर किराए लेने में काफी समय लग रहा है। शनिवार को यात्रियों को आधे से सवा घंटे तक लाइन में लगना पड़ा। शाम 7:30 बजे से 678 यात्रियों ने बर्थ निरस्त कराया था। इन यात्रियों को 3.82 लाख रुपए किराए के रूप में वापस किए गए।